चलिए फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए फिज़िकल ज्योग्राफी में जो लेक्चर हम आज कवर करने जा रहे हैं वो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स के बारे में है। आज हम एक वीडियो लेक्चर कवर करेंगे जिसमें मैं आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स की एक रूपरेखा समझा दूँगा, उसके बारे में एक ओवरव्यू हो जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगी, फिर कॉन्टिनेंट्स के बनने की विधि और अलग अलग तरह के माउंटेंस किस तरह से एग्जिस्टेंस में आते हैं उसके विषय में भी एक ब्रीफिंग आज आपको हो जाएगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो ऑडियो लेक्चर होगा और उसमें बहुत डिटेल में टेट्राहेड्रल थ्योरी है या एफ बी टेलर की थ्योरी है, वो सभी थ्योरीज बहुत डिटेल में कवर कराई जाएंगी। आज के लेक्चर को समझें, अच्छे से प्रक्रियाओं को मैप पे देखें, माइंड में रखें, अगले ऑडियो लेक्चर के लिए विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट विल बी ऑफ अल्टीमेट हेल्पफुल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स की। मैं आपको पहले कुछ जानकारियां ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट के बेसिक एग्जिस्टेंस में आने के बारे में बताऊंगा और वहीं से फिर हम भारत और भारत के हिमालय पर्वतों तक आएंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड लेवल पर। देखिए दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड लेवल पर। पहली चीज एग्जिस्ट करती है मेजर डोमेन्स ऑफ द वर्ल्ड और दूसरी चीज होती है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अगर हम मेजर डोमेन्स की बात करें तो लगभग चार डोमेन एग्जिस्ट करते हैं इस ग्लोब पे। उन्हें वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला डोमेन जो ग्लोब पे एग्जिस्ट करता है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। लिथोस्फेयर यह भारत आपको पढ़ना है जो यहाँ पर एग्जिस्ट है, जो वर्ल्ड का पार्ट है। तब तक के लिए हम इंडिया के मैप को रिमूव करते हैं फिर इंस्टॉल करेंगे, तब तक आप वर्ल्ड से रिलेटेड फिनोमेनास को समझने का प्रयास करें। लिथोस्फेयर, जब हम बात लिथोस्फेयर की करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन होता है और ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो ये स्टोन स्फेयर है। इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसमें लिथोस का मतलब होता है स्टोन। क्या समझाना चाहते हैं स्टोन फेयर से आपको? देखिए जितना वर्ल्ड आपको नजर आ रहा है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में आज जितने भी लैंड एंड ओशियनिक मासेस आपको एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे हैं इनके नीचे एक इम्पॉर्टेंट क्रस्टल लेयर है। इस क्रस्टल लेयर के नीचे आपको एक सेमी मॉल्टन स्टेट में लिक्विड स्फीयर नजर आता है और उसके नीचे जो कोर है जो कभी गैशियस फॉर्म में था जो धीरे 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 सॉलिडिफिकेशन की तरफ आया वो नजर आता है। तो आज अगर आपको यह कहा जाए ये जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको हम खास तरह की प्लेट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कहते हैं, जो ऑलवेज मूव करती रहती हैं इंडिपेंडेंटली। यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का ये जितना भी कॉन्टिनेंटल रीजन है ये सिक्स मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है और इन सिक्स मेजर प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ल्ड लेवल पर कॉन्टिनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वर्ल्ड लेवल पर आपको सेवन कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, ये सीक्वेंस में ऑलवेज याद रखना है, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमें आता है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसे हम एशिया कहते हैं, जिसको यूरोप जो कि एकमात्र पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट है इस दुनिया का जो अदर कॉन्टिनेंट से सेपरेट नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये एशिया से कनेक्टेड है, इसलिए हम इसे ज्योग्राफिकल फिजिकल कॉन्टिनेंट नहीं मानते, ये पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली इसे कॉन्टिनेंट माना हुआ है। तो दिस इज द ओनली पॉलिटिकल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यूरोप से एशिया को सेपरेट करते हैं ये यहां से गुजरने वाले यूराल माउंटेन्स जो बिल्कुल रशिया और यूरोप को सेपरेट कर देते हैं, या आप कह सकते हैं एशिया और यूरोप को सेपरेट कर देते हैं। तो इसी कॉन्टिन्यूटी की वजह से एशिया एंड यूरोप अगर यूराल माउंटेन्स को इग्नोर करें तो आपस में कंटिन्यूअस लैंडमास है, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है और ये वर्ड आगे आने वाले हिमालयन लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्सप्लेन हो गया। यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया और इसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है दैट इज यूराल माउंटेन्स।
ये क्वेश्चन आता है कि कौन डिवाइड करता है एशिया एंड यूरेशिया, एशिया एंड यूरोप को। एशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसके साउथ में आपको इंडियन ओशियन नजर आता है, और इसके नॉर्थ में अगर आप बात करें तो रशिया को अगर हम इसमें कंसिडर करते हैं तो इसके नॉर्थ में आपको आर्कटिक ओशियन नजर आता है। इसके ईस्ट में अगर हम इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो आपको पैसिफिक ओशियन नजर आता है, और इसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में आपको यूरोप एंड अफ्रीका नजर आता है। तो एशिया के साउथ में इंडियन ओशियन, एशिया के नॉर्थ में आपको नजर आ रहा है आर्कटिक ओशियन, एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, और एशिया के वेस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका। एशिया के साउथ में आप ऑस्ट्रेलिया को भी काउंट कर सकते हैं, वो भी अपना एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये क्लियर। एशियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से एक लैटिट्यूड गुजरता है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप एशिया से रिलेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरता है, बिल्कुल मिडल से, इंडिया के 8 states से होकर के गुजरता है, जो आप जानते हैं। क्लियर कट। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट साइज वाइज आता है, उसे हम कहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके ईस्ट में आप देखिए तो आपको इंडियन ओशियन नजर आता है, इसके वेस्ट में आप देखिए आपको अटलांटिक ओशियन नजर आता है, इसके साउथ में अगर आप देखें तो 60 degree लैटिट्यूड से लेकर के अंटार्कटिका तक का ये जो पानी का कंटिन्यूस रीजन है, इसे अब एक नई डिवीजन में काउंट किया जाता है, इसे साउदर्न ओशियंस कहा जाता है। एक नई डिवीजन है, पहले ऐसा कहा जाता था कि टोटल 4 oceans हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, लेकिन अब 5 ocean काउंट होते हैं और इसे साउदर्न ओशियन कहा जाता है। 60 degree लैटिट्यूड से लेकर के जितना भी अंटार्कटिक तक का रीजन है ये सारा साउदर्न ओशियन है। तो कुल मिलाकर के अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशन, अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशन, अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी, एंड अफ्रीका के साउथ में अगर आप देखें तो इंडियन एंड अटलांटिक ओशन का मिलन है, या फिर आप कह सकते हैं साउदर्न ओशन है। ओके, तो ये अफ्रीकन लैंडमास है। क्लियर। डोमेन्स में जब डोमेन से आगे बढ़ करके जब हम लैंड फीचर्स पर आएंगे तब हम इस कंसेप्ट को भी समझाएंगे। इसके आगे बढ़ जाते हैं तो हम बात करते हैं साइज में तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट की, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये एक्सक्लूसिवली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट की ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस हेमिस्फेयर में है, तो एशिया की अगर आप बात करें तो वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, क्योंकि लंदन से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन, जो मेन प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन है, उसके ईस्ट में है। इसी तरह से अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें तो वो वेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो उसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, उसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, उसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, और साउथ में वो एक बहुत ही नैरो लैंड मास के थ्रू होते हुए साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है, और इस नैरो लैंड मास को जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का काम करे इसे इस्थमस कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इस्थमस कहा जाता है, इस्थमस कहा जाता है। इस्थमस क्या होती है? वो नैरो लैंड मास, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने का काम करे, पहली बात। वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करने का काम करे। तो यहां पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पर कैरेबियन सी पैसिफिक ओशियन से सेपरेट हो रहा है, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से मिल रहा है। तो इस इस्थमस का नाम है पनामा इस्थमस, इट इज पनामा इस्थमस। ओके, ये क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात साउथ अमेरिका की आ जाती है, और ये वर्ल्ड लेवल पर साइज वाइज चौथा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, फोर्थ कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका की खासियत है कि एक्सक्लूसिवली साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। साउथ अमेरिका की एक दूसरी इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि ये लगभग अपने वेस्ट में इन एंडीज माउंटेन को होल्ड करता है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। एंडी माउंटेन लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, इस बात का ध्यान रखना, सबसे लंबी माउंटेन चेन है। ओके, एंडीज माउंटेन इन द साउथ अमेरिका, एंड दैट टू इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। इसको अगर हम देखें तो ये ईस्ट में अटलांटिक ओशन, यानी कि साउथ अटलांटिक ओशन, वेस्ट में बात करें तो साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ में बात करें तो वही साउदर्न ओशन, और नॉर्थ में बात करें तो कैरेबियन सी
और एक पनामा इस्थमस जो इसे साउथ नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। इसके बाद अगर हम साइज वाइज बात करें तो फिफ्थ नंबर पर हम यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, वो ऑलवेज यूरोप का नंबर भर देंगे लेकिन यहाँ पर गलती हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका साइज वाइज फिफ्थ नंबर पे है। ये पूरी तरह से आपको इस तरह साउथ में नजर आ रहा है और ये लगभग लगभग 66 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के 90 डिग्री यानी कि साउथ पोल तक फैला हुआ है। बहुत ही एलोंगेटेड है, पूरी तरह से साउथ पोल के रीजन को कवर किया हुआ है यानी कि हमारा साउथ पोल लैंड से कवर्ड है, कॉन्टिनेंट से कवर्ड है। अगर यूरोप जो मैं अभी पढ़ाऊंगा जाना जाता है आर्कटिक सर्कल के लिए तो अंटार्कटिक जाना जाता है अंटार्कटिक सर्कल के लिए। यहाँ से गुजरती है एक लाइन जिसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं और लगभग वहां से लेकर के पूरी तरह से 90 डिग्री साउथ पोल तक आपको एक लैंडमार्क नजर आता है। यहाँ पर आपको परमानेंट हैबिटेशन ऑफ पीपल नजर नहीं आती लेकिन यहाँ पर आपको रिसर्च सेंटर अलग अलग कंट्रीज के नजर आएंगे। भारत के दो रिसर्च सेंटर आपको यहाँ पे नजर आते हैं, एक मैत्री और दूसरा दक्षिण गंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। हमारे दो रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, मैत्री और दक्षिण गंगा अंटार्कटिका में। क्लियर कहानी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं साइज वाइज, सिक्स नंबर पे आता है यूरोप। साइज वाइज सिक्स नंबर पे आता है यूरोप। तो यूरोप ये आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, तीन तरफ से पानी से घिरा है। यूरोप के साउथ में देखिए मेडिटेरेनियन सी, यूरोप के नॉर्थ में देखिए आर्कटिक ओशियन, यूरोप के वेस्ट में देखिए अटलांटिक ओशियन और यूरोप के ईस्ट में मैंने आपको बताया था एशिया। तो तीन तरफ से पानी से घिरा, एक तरफ लैंड से बाउंड है यूरोप। ये यूरोप के बारे में इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक सर्कल के लिए जाना जाता है। मेनली अगर लैटिट्यूड यहाँ से पास हो रहा है तो दैट इज आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, इसके बाद जो आ जाता है वो है इंपॉर्टेंट सेवंथ, ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ एक कंट्री के नाम पर है। एक ओशियन और एक कॉन्टिनेंट, ऐसी निशानियां हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है कॉन्टिनेंट। ये देखिए, इसको हम एक तरह का आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये आइलैंड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, चहों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसके ईस्ट में पैसिफिक है, इसके ये साउथ तक इंडियन ओशियन आ रहा है, इसके नॉर्थ में भी ये इंडियन ओशियन है। छोटे छोटे सीज आपको दिखेंगे, अरापुरा सी और बाकी सीज नजर आते हैं, तो एक आइलैंड ओशियन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। इसके साथ छोटे 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 और आइलैंड हैं, उन्हें अगर आप जोड़ लेते हैं तो इस पूरे के पूरे रीजन को हम ओशियानिया भी कहते हैं, ओशियानिया। अगर आप पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलानेशिया, जो थ्री ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है यहाँ पर, उन्हें इसके साथ क्लब कर दें तो ये ओशियानिया बन जाता है। ओके, इस तरह से हमने साइज वाइज इन सेवन कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा। ये सेवन कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट थे? लैंड का। लैंड मतलब कि स्टोन स्फीयर यानी कि लिथोस्फीयर। तो ये ग्लोब लेवल पर जो एक सबसे बड़ी डोमेन, मेन डोमेन है लिथोस्फीयर, उसका अंश और उसका पार्ट कहलाते थे। तो हमने एक डोमेन लिथोस्फीयर को समझने का काम किया। जब अर्थ आज से 4600 मिलियन ईयर्स पहले जब बनी, जब हेडियन इओन की शुरुआत हुई, तब से लेकर के अर्थ का एक कूलिफिकेशन का फेज बिगिन हुआ। उस कूलिंग फेज के दौरान अर्थ का सबसे पहले आउटर लेयर कूल होना शुरू हुआ और आपके सामने क्रस्ट एग्जिस्टेंस में आई। और वही क्रस्ट जो आपके सामने एग्जिस्टेंस में आई, अल्टीमेटली उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लैंड बना। और वही जो डिप्रेस्ड क्रस्ट रीजन था, जो दबा हुआ रीजन था, जिसमें बाद में आने वाले समय में रेनफॉल, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग और अदर एस्पेक्ट से पानी भर गया, वो ओशियंस की तरफ दिखा। और ये जो एक शेप रहती है अर्थ की, अगर आज मैं सारे ओशियन सुखा दूं तो लैंड फिर डिप्रेशन फिर लैंड फिर डिप्रेशन, इसको हम जियोइड कहते हैं। दिस शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ओके, ये बात ऑलवेज याद रखना। लैंड यानी कि कॉन्टिनेंट, देन डिप्रेशन माने कि एग्जांपल ले लो यूरोप एंड अफ्रीका, दिस इज लैंड, देन डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि अटलांटिक ओशियन, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन डिप्रेशन यानी कि पैसिफिक ओशियन, देन एशिया, देन डिप्रेशन यानी कि इंडियन ओशियन। तो कुल मिलाकर के ये जो एक आकृति बनती है, इसमें जितनी डिप्रेशन थी उनमें पानी भर गया तो अल्टीमेटली वो ओशियंस हो गए। जो ऊपर की तरफ एक्सप्रेस करते रहे वो लैंड कहलाए। तो हमारे पास दो तरह की क्रस्टल लेयर नजर आती है, जिसके वर्ड मैं ऑलवेज अभी यूज करूंगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। हमारे अर्थ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, आने वाला चैप्टर इसीलिए समझ आएगा
उसमें जब मैं आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का कोलिजन बताऊंगा तो कुछ वर्ड यूज होंगे जो आपको ऑलवेज केओस करते रहते थे, जिसकी वजह से आप परेशान रहते थे कि ये हिमालय बन कैसे रहा है, उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया है। समझो, जैसे ये अर्थ का मेन क्रस्ट है, ध्यान से देखो, है ये क्रस्ट है। अब इसमें ये तो बिल्कुल ठीक है ये रीजन, लेकिन अचानक से ये रीजन रेज हो गया तो ये एक कॉन्टिनेंट बन गया। अब ये रीजन मेनली ये चल रहा है, ये फिर डिप्रेस हो गया तो ओशियन, ये फिर रेज हो गया तो कॉन्टिनेंट, ये फिर डिप्रेस हो गया तो ओशियन, ये फिर रेज हो गया तो कॉन्टिनेंट। तो कुल मिलाकर के क्रस्ट तो वही है ना भाई, वो तो आपको नहीं दिख रही अंदर वाली क्रस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपका इतना कदकाठी है, आप इतना चल फिर सकते हैं, तो इंडिया से चलते चलते समुद्र में घुस जाओ, चलने के लिए जमीन कम नहीं पड़ेगी। और फिर उधर से जाके साउथ अमेरिका से निकल आना बाहर, इधर से चलना शुरू करो, इंडिया को छोड़ो, समुद्र में घुस जाओ, चलते रहना अपनी गर्दन बाहर निकाल के पानी से, और फिर उधर चलते चलते साउथ अमेरिका आ जाएगा, चढ़ जाना उस पे। मतलब जमीन खत्म नहीं होती, वो बात अलग है कि पैसिफिक ओशियन के ईस्ट में जाकर के मरियाना ट्रेंच आ जाएगी, उसमें कहीं घुसना जाना, वरना कभी बाहर नहीं आ पाओगे क्योंकि बहुत गहरी है। हिमालय 8848 मीटर है अगर भूमि से ऊपर, तो गर्त में 11,022 मीटर की गहराई है उसकी, समुद्र के तल में। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये आकृतियां बनती हैं। तो क्रस्ट दो वे में हम मान लेते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट। अल्टीमेटली ये किसका पार्ट है? अर्थ की क्रस्ट का, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। टेंशन खत्म, क्लियर? तो ये है लिथोस्फेयर हमारा, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट अभी आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये हुड्रो से आता है, हुड्रो का मतलब होता है पानी, तो ये भी ग्रीक से आता है, इसका मतलब है हुड्रो, हुड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर स्फेयर मैंने हाइड्रोस्फेयर। अब यहाँ पर हम फिर से फंसते हैं यूपीएससी और द सिविल सर्विसेज एग्जाम और ऑलवेज अ काइंड ऑफ बेसिक्स, आप बेसिक से फंसते हैं तो आप फंस जाते हैं। जब आप हाइड्रोस्फेयर की बात करेंगे एकदम से आपके माइंड में ओशियंस आएगा, हाइड्रोस्फेयर माने कि वाटर स्फेयर, जहां भी पानी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब कौन सी चीजें आती है इसमें, सबसे पहले ओशियंस और सीज, मैं साथ ही लिख देता हूँ, दूसरा रिवर्स, रिवर्स, तीसरा अंडरवाटर, अंडरवाटर, चौथा ग्लेशियर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो आधार है समुद्रों का, वही आधार है नदियों का, ग्लेशियर का। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन एनी फॉर्म, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द वाटर वेपर, बिकॉज उसके बाद कंडेंसेशन होता है। तो हाउ कैन वी निगेट वाटर वेपर फ्रॉम द हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। तो हाइड्रोस्फेयर में आया ओशियन और सीज, रिवर्स, अंडर वाटर, ग्लेशियर्स एंड वाटर वेपर, ये सबसे बना आपका हाइड्रोस्फेयर। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो लगभग लगभग 29% अगर आपके पास लैंड है तो 71% आपके पास वाटर है। इसलिए हमारे हमारे जो अर्थ है, इस प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसको अगर हम दर्शाने का काम करें इस हाइड्रोस्फेयर का, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस तरह से आती हैं। क्या आपके सामने ओशियंस आ जाते हैं? सबसे पहला प्रशांत महासागर है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये आपको नजर आ रहा है, ऑलवेज एक सर्कुलर शेप में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ग्लोब इस तरह से बनाया गया है। तो आप इसके वेस्ट में देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आपको पैसिफिक ओशियन नजर आ रहा है। और अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो ऐसा ये कहा जाएगा कि पैसिफिक ओशियन की ईस्टर्न बाउंड्री नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बनाते हैं। वे मैं आपको मैप से समझा देता हूँ, ग्लोब से, ग्लोब पकड़ाइए ताकि आपको ये बात क्लियर हो पाए। इस तरह की चीजें ज्योग्राफी में अगर आपने मैप से नहीं की, आप कभी भी चीजों को रट नहीं पाएंगे जल्दी। ये देखिए क्लियर कट आपके सामने, ये सारा पैसिफिक ओशियन है सर्कुलर शेप में लगभग, और इस पैसिफिक ओशियन की ईस्टर्न बाउंड्री कौन है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो आपको बोला जाएगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? और अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे कौन है, तो पैसिफिक ओशियन।
एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे कौन है? तो पैसिफिक ओशियन, मतलब पैसिफिक का तो ईस्टर्न रीजन है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का तो वेस्टर्न कोस्ट है ना ये। इस तरह से हम फंस जाते हैं, हमें ईस्ट वेस्ट हम कहते हैं, ये क्या हो रहा है, कभी ईस्टर्न कोस्ट कभी वेस्टर्न पैसिफिक, ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो ये एक सर्कुलर शेप में, इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं दिखा पाए, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले इतना दिखा दिया, ये देखिए ग्लोब में, और फिर इसके बाद वाला, क्योंकि इसको अगर हम गोल कर दें इस मैप को अभी, तो बाद वाला इस रीजन में दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये पैसिफिक ओशियन है, इंपॉर्टेंट ओशियन है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इस एस शेप के, अटलांटिक ओशियन की। अटलांटिक ओशियन एस शेप में है, रीसेंट मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 150 मिलियन ईयर्स अगो से प्रॉपर ओपन हुआ है, और इसके पहले ये लैंड मासेस आपस में कनेक्टेड थे। आप साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका को बिल्कुल जिग सॉ फिट कर सकते हैं, फिट हो जाएगा आपस में, जिग सॉ फिटिंग है इनकी। तो ये अटलांटिक ओशियन खासियत क्या है, प्रॉपरली आर्कटिक ओशियन एंड प्रॉपर साउदर्न ओशियन से कनेक्टेड है। अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें तो ये भी आर्कटिक ओशियन से कनेक्टेड है, यानी कि हमारे ऑलमोस्ट सभी ओशन आपस में कनेक्टेड हैं एक्सेप्ट इंडियन ओशन, हमारे सभी ओशन आपस में कनेक्टेड हैं एक्सेप्ट इंडियन ओशन। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन कनेक्टेड हैं ये पतली सी जल की धारा के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं बैरिंग स्ट्रेट। जहां आपने इस्तमस पढ़ा वहीं पर आपको स्ट्रेट पढ़ना भी जरूरी है। स्ट्रेट क्या होता है? वह पतली नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो दो बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, और वो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जो दो बिग लैंड मासेस को सेपरेट करे। बिल्कुल इस्तमस का ऑपोजिट, ये स्ट्रेट होते हैं, इट इज बैरिंग स्ट्रेट, जो पैसिफिक और आर्कटिक को कनेक्ट करती है, जो नॉर्थ अमेरिका से रशिया को और नॉर्थ अमेरिका से एशिया को सेपरेट करती है। आई बात समझ में? तो यूएसए से रशिया को सेपरेट करने वाली भी बैरिंग स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलास्का है, ये यूएसए का पार्ट है। और अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेट करने वाली भी बैरिंग स्ट्रेट। क्लियर है कहानी? इसी तरह से अगर आप बात करें तो अटलांटिक ओशन की तो ओपनिंग्स क्लियर है नॉर्थ में और साउथ में। तीसरा जो ओशियन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है इंडियन ओशियन। अटलांटिक ओशन सेकेंड था, तीसरा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन लगभग ट्रायंगुलर शेप में एग्जिस्ट करता है, आप देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर शेप ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। ये नॉर्दर्न एस्पेक्ट में कनेक्ट नहीं होता आर्कटिक ओशियन से, इसलिए इंडिया की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम भी इंडियन ओशियन रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साउथ में ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है, आप देखिए अगर ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे से जाए तो पैसिफिक से कनेक्टेड है, और अगर ये साउदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे से जाए तो ये अटलांटिक से कनेक्टेड है, और नीचे 60 डिग्री लैटिट्यूड से नीचे चला जाए तो ये साउदर्न ओशियन से भी कनेक्टेड है। तो ये रेस्ट ऑफ द ओशियंस के साथ इजीली कनेक्टेड है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका कोई आउटलेट नहीं है, जिसकी वजह से ये आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट नहीं हो पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऊपर से ब्लॉक्ड है, ये नॉर्दर्न रीजन से लैंड लॉक्ड है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसे वर्ड आपको ऑलवेज याद रखने। चौथा है आर्कटिक ओशियन। अगर आर्कटिक ओशियन को आप इस मैप पर समझना चाहते हैं तो क्लियर कट है रशिया का नॉर्दर्न बाउंड्री, यानी कि आर्कटिक ओशियन को रशिया की नॉर्दर्न बाउंड्री, यूरोप में स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला यानी कि नॉर्वे स्वीडन इनकी नॉर्दर्न बाउंड्री, ग्रीनलैंड की नॉर्दर्न बाउंड्री, और नॉर्थ अमेरिका यानी कि कैनेडियन रीजन की ये नॉर्दर्न बाउंड्री टच होती है। और अगर आप इसको ग्लोब पर देखते हैं तो सामने आपके नजर आ रहा है कि जितना भी पोलर रीजन है उसमें नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और रशिया इसके इसको एनसर्कल करता हुआ ये नॉर्थ पोल में एग्जिस्ट कर रहा है आर्कटिक ओशियन। ओके, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है साउदर्न ओशियन, और वो मैंने आपको बता दिया 60 डिग्री साउथ से अंटार्कटिका के बीच का ओशियन। इस तरह के पांच ओशियंस एग्जिस्ट करते हैं, साइज वाइज आपके सामने वो रख दिए गए हैं, ये है हाइड्रोस्फीयर। अब आप ये कहते हैं कि जब 71% ऑफ द ग्लोब वाटर है, फिर भी वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सबसे बड़ी समस्या वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, इसका आधार क्या है उसे एक मिनट में समझ लेते हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं जो एमसीक्यूज बनाती हैं, लेकिन हम बेसिक समझ के छोड़ते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, 71% का 100% ले लो, अगर हम पानी का प्रपोर्शन निकालना चाहते हैं तो 100%, इस 100% वाटर में से अब हमें कुछ चीजें निकालनी है, वो चीजें किस तरह से निकलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इस 100% में से जो 97% है, लगभग 97% आपके सामने वाटर की फॉर्म में
ओशियंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सीज की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो पानी सेलाइन है, आप उसे पी ही नहीं सकते, सेलाइन वाटर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर कट कहानी। अब अगर आप नेक्स्ट एस्पेक्ट बात करें तो 2.88% लगभग जो आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में, या बहुत ही दूर दराज के पानी की फॉर्म में जहां तक आपकी रीच नहीं है। तो अंडरग्राउंड वाटर में भी बहुत से पानी ऐसे हैं जहां तक आपकी रीच नहीं है, कुछ ग्लेशियर्स जिन जैसे कि आर्कटिक और अंटार्कटिक की जहां तक आपकी रीच नहीं है, कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज होते हैं जहां तक आप जा नहीं सकते। ये सारे गणित के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ पीने लायक फ्रेश वाटर जो आपके पास एग्जिस्ट करता है वो 0.03% ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपका प्लैनेट 71% पानी भी है, उसमें से केवल 0.03% पोटेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। यहीं से शुरुआत होती है वाटर की फाइट की, पानी को लेकर के युद्ध। इसलिए कहते हैं वाटर कंजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। और बच्चा हमेशा डेंजर में रहता है कि वैसे कहते हैं कि ब्लू प्लैनेट 71% पानी और ऊपर से कह रहे पानी की कमी, तो पीने लायक पानी की कमी की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी पानी है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बाद अब हम तीसरे स्फीयर में आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर का वर्ड आता है एटमॉस, और ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है वेपर, वेपर स्फीयर। बड़े पैमाने पर जो आपके पास आज एटमॉस्फेयर का एक ब्लैंकेट है आपकी अर्थ के अराउंड, इस ग्लोब के अराउंड, उसमें काफी सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड वेपर्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, गैसेस, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल जैसे पर्टिकुलेट मैटर्स और अदर एस्पेक्ट्स, एंड वाटर वेपर। और इसी वेपर के दम पे हमने बारिश भी करवानी थी। ये जो डस्ट पार्टिकल हैं ये प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, जैसे मेरा ये हाथ है और इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के बैठते हैं वेपर्स, और बैठ बैठ करके आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए इन डस्ट पार्टिकल्स को हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर वाटर वेपर आके बैठेंगे, क्योंकि उन्हें आपस में हाथ मिला के गले लग के जुड़ के इकट्ठे होने में पानी की बूंद बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, वो डस्ट पार्टिकल प्रोवाइड करते हैं। और अगर यही प्लेटफॉर्म कभी गलती से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ने प्रोवाइड कर दिया और उसके ऊपर ये वाटर वेपर इकट्ठे हो गए तो वो बनेगी एसिड रेन, तो फिर बरसात जो होगी वो एसिड की होगी। आई बात समझ में? तो इन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इन चीजों से वेपर स्फीयर एटमॉस्फेयर बनता है। और ये एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसमें भी अब वही गेम आ जाती है, लोप साइडेड एस्पेक्ट। 78% इसमें नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है? ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स को चाहिए। और नाइट्रोजन सीधा नहीं ले सकते तो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट लेते हैं, और सॉइल में ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो इसकी फॉर्म को चेंज करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके जमीन में फिक्स कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं भूमि पर रहने वाले मित्र कीड़े, फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स, जिनको हमने आर्टिफिशियल और केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के मार दिया है। ये पहली बात। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो 21% के अराउंड जो एग्जिस्ट करती है वो है ऑक्सीजन, और वो ब्रेथ ऑफ लाइफ है। आपने जो भी भोजन, नाइट्रोजन ने जितना भी फूड बनाया, ऑर्गेनिजम्स बनाए, उसको खाया आपने और उसको बर्न करके एनर्जी क्रिएट करेंगे तो वो बर्निंग होगी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, जिसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 21% एग्जिस्ट करता है। रेस्ट बचा 1% में मात्र कितनी गैसेज आ जाती हैं वो जब इसका चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। फिर भी हाइड्रोजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, आर्गन आ जाता है, नियोन भी आ जाता है, ये सारी गैसेज। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मुट्ठी भर एक गैस है जिसका कॉम्पोजिशन मात्र 0.3% के अराउंड एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन से जितनी भी रेडिएशन अर्थ तक आती हैं वो अर्थ को हीटअप करती हैं। अर्थ से बदले में जो रेडिएशन बाहर जाना, एस्केप करना चाहती हैं रात को, उसे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समा लेती है और अर्थ का एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसका एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाना पृथ्वी को गर्म कर सकता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यानी कि अगर ये ज्यादा हो गई तो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन ज्यादा ट्रैप होंगी, पृथ्वी का तापमान ज्यादा गर्म होगा, उससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जितने भी छोटे छोटे टापू हैं, आइलैंड है, वो डूब जाएंगे। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट, इसके और भी बहुत इम्पैक्ट है, आने वाले समय पढ़ाएंगे। ये एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग ये जो ग्लोब है,
इस ग्लोब से 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की परत है, इस ग्लोब से 1600 किलोमीटर का, और इसमें कई सारी लेयर आ जाती है, जिसमें सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और हर लेयर से दूसरी लेयर शुरू होने के बीच में जब बाउंड्री आएगी उसे पॉज कहेंगे, पॉज तो ट्रोपो पॉज, तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के ऊपर बाहर एक्सोस्फेयर। अरे वाह, मतलब ये तो उन्माद ही हो गया। एक्सोस्फेयर क्लियर, किसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, किसमें रॉकेट उड़ती है, किसमें रेडियो चैनल आते हैं, आयोनोस्फेयर क्या होती है, ये सब बारीकियां आने वाले दिनों में करेंगे जब वो लेक्चर करेंगे। अभी इतना समझो ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर की एक खासियत ये होती है कि ये जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से लेकर के लगभग 2.5 से 5 किलोमीटर तक ये काफी थिक रहता है, लेकिन जैसे ही आप 2.5 किलोमीटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगेंगे थिन होने लग जाएगा, गैसेस कॉम्पोजिशन जो है वो थिन रिड्यूस हो जाएंगी, डेंसिटी रिड्यूस होगी, यानी कि एटमॉस्फेयर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते रिड्यूस होते चला जाता है। यही कारण है कि पर्वतों की चोटियों पर चढ़ करके आप सूर्य के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तापमान कम होता चला जा रहा है, आप कूल होते चले जा रहे हैं, ठंड बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर वहां पे थिन है, वहां पर उस लेवल पर जो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो लेयर कहीं नीचे रह जा रही है, इसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर डाउन जाता रहेगा, ठंड महसूस होती रहेगी। ये कारण, मतलब अर्थ का टेम्परेचर, सन से आने वाली रेडिएशन से अर्थ गर्म हो रही है, लेकिन अर्थ का वातावरण गर्म हो रहा है अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन से, और उसके लिए वातावरण चाहिए, वातावरण नीचे रह जाता है, आप ऊपर चढ़ जाते हैं एटमोस्फेरिक लेयर से, जब आप हाई माउंटेन्स में जाते हैं 7000-8000 मीटर जो है माउंट एवरेज, तो फिर वहां पर ठंड रहती है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्लियर आस्पेक्ट। और कई बार आपने सोचा सुना भी होगा कि गैसेस का गैसेस काफी थिन होती हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। जैसे पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो जब पर्वतों पर जाते हैं तो गैस सिलेंडर्स और बाकी कैप्सूल्स लेकर के जाते हैं, क्यों? एटमॉस्फेयर थिन हो जाता है, ऑक्सीजन उतना अवेलेबल नहीं रहता, उन्हें ऑक्सीजन की एडिटिव सपोर्ट लेनी पड़ती है वहां पर, ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। लेकिन इसी तरह से अगर आप देखें तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जोन है, कहीं पर एटमॉस्फेयर का दबाव ज्यादा है तो वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, कहीं पर एटमॉस्फेयर का दबाव कम है वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कम होगा, तो इसे कहते हैं हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। और एक इंपॉर्टेंट सी खासियत है, कोई भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में एक ग्रेडियंट ढलान तो बनेगी, और हवाएं हमेशा कहां चलती हैं? ऊपर से नीचे की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये जो चलती हुई हवा है इसे विंड कहा जाता है, अदरवाइज तो ये एयर है, जो मोशन में है वो विंड है, जो रुकी कड़ी है वो एयर है, एयर तो ऑलवेज रहती है, विंड कभी कभी चलती है। हम कहते हैं एयर ना हो तो बर्बाद ही हो जाएगी। वायु देवता ने एक बार खींच ली जब हनुमान को कोई आहत हुआ था, फिर आपने देखा क्या हुआ था, ठीक है आगे चलें। तो ये एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। चलिए, यह है एटमोस्फेयर, ये उसकी अलग अलग लेयर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं असल मुद्दे पे जिसपे आना चाहते थे, वह है बायोस्फेयर। अगर हम बायोस्फेयर की बात करें तो बायो वर्ड जो ग्रीक से आता है, इसका मतलब आता है लाइफ, तो ये लाइफ वाला स्फेयर है। क्यों लाइफ वाला स्फेयर है, चलिए बात करते हैं। ये देखिए, ये सर्कल है आपके सामने हाइड्रोस्फेयर का, उसके बाद ये सर्कल है आपके सामने लिथोस्फेयर का, और उसके बाद हम बात करते हैं ये सर्कल है आपके सामने एटमोस्फेयर का। अब कुल मिलाकर के कहानी यहाँ पर यह आ रही है कि एक लिमिट है एटमॉस्फेयर की जिसके बाद बैक्टीरिया तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक लिमिट है वाटर की जिसके बाद एक भी कण एग्जिस्ट नहीं करेगा लाइफ फॉर्म का, और इसी तरह से एक लिमिट है जमीन की लिथोस्फेयर की, खोद के देखना, उसके नीचे लाइफ फॉर्म फिर नहीं मिलेगी। मतलब लिथोस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में एक लिमिट तक ही जीव जी सक रहा है। वो लिमिट कौन सी है, जिस लिमिट में ये तीनों स्फेयर आपस में इस तरह से इंटरैक्ट और इस तरह से चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट हो पा रही है। और यहीं से खूबसूरती है पृथ्वी की, कि पृथ्वी में ये जो तीनों स्फेयर हैं उनका आपस में इंटरैक्शन कुछ इस तरह से बना है कि लाइफ को सपोर्ट किया जा पा रहा है। वो जो स्फेयर है, इन तीनों स्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर का वो पार्ट जो लाइफ को शेयर कर रहा है, उसे बायोस्फेयर कहते हैं। तो मतलब ये रीजन, दिस पार्ट इज बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर का कंबाइंड रीजन, इसे हम कहते हैं बायोस्फेयर, जहां तक जीवन है। यानी कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के अंदर एक लिमिट तक चाहिए हमें, हवा अगर एनारोबिक है, चलिए हवा के बिना, लेकिन इंपॉर्टेंट तत्व चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए। अगर पानी की बात करते हैं, एटमोस्फेयर की बात करते हैं, तो जीवन एक सीमा तक ही